हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब रेकमेंड चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जब भी हम अपने लैपटॉप में कोई भी गेम को प्ले करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक बेसिक सी प्रॉब्लम जो है आ जाती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम अपने गेम प्ले को एंजॉय करते हैं तो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दो बार आ जाते हैं और हमारा गेम जो है वो सेंटर की स्क्रीन में जो है प्ले होता है। अब ऐसे में फ्रेंड्स हम अपने गेम प्ले का जो एंजॉयमेंट है वो नहीं ले पाते, समझ रहे हो। और ऊपर से जो है फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में कितनी ही अच्छी स्क्रीन हो, आपके लैपटॉप में चाहे कितना ही अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, ऐसे में आप जो है अपने गेम प्ले का एंजॉय नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को आप सभी अपने लैपटॉप में किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है और इसको फिक्स कैसे करना है ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में जितनी भी हैवी एप्लीकेशंस चल रही है जो कि आपके ग्राफिक्स की डिमांड करती है, सबसे पहले तो सभी एप्लीकेशंस को क्लोज कर देना है। कोई भी हैवी एप्लीकेशंस को आपको रन नहीं करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डिस्प्ले सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। सभी एप्लीकेशंस को क्लोज करने के बाद आपको ये करना है। अब यहाँ आने के बाद जो है फ्रेंड्स, आप सभी को एक ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिस्प्ले रिजोल्यूशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक रिजोल्यूशन जो है सिलेक्ट करना है, जिस रिजोल्यूशन पे आपका कंप्यूटर भी सेट है उससे थोड़ा कम वाला जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कीप चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने इसे कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो मेरे लैपटॉप के लेफ्ट और साइड में जो है बार्स जो है दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में। तो देखिए, हम एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स मोड में यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ फॉर डिस्प्ले वन, इस पर ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपके सामने ये ऑप्शन जो है आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में आने के बाद जो है आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सब कुछ ऐसे कैसे छोड़ देना है, बस यहाँ पे जो स्केलिंग मोड है ना इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है आपको फुल स्क्रीन स्केलिंग इमेज जो है सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये वाला, इसको जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे हम अप्लाई ओके करेंगे तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके करने के बाद आपको दोबारा से बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो आपने स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है चेंज किया था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वो बैक टू नॉर्मल कर देना है, यानी जो भी रिकमेंडेड आपके सिस्टम के हिसाब से बता रहा है रिजोल्यूशन का साइज, उसमें आके कीप चेंजेस कर देना है और इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं। हमारा काम जो है डन हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने सेटिंग्स अप्लाई करी है वर्क कर रही है या नहीं। तो हमने अपने केस में GTA को रन कर रहे हैं। आप कोई भी गेम जो है रन कर सकते हैं, हर जगह ये ट्रिक जो है अप्लाई होगी। तो आप देख सकते हैं हमारा गेम जो है अब फुल स्क्रीन पे जो है रन हो रहा है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप सभी अपने गेम प्ले का एंजॉयमेंट जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।